उपमंडल स्वारघाट के टाली जुकात खाना के स्थानीय लोगों ने व राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनूप ठाकुर के साथ मिलकर इफकॉन कंपनी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से काम कर रही है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि जो रोड कंपनियों की गाड़ियों द्वारा खराब किए गए हैं उन्हें तुरंत ठीक किया जाए और भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट में कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार दे। उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, नहीं तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी और प्रशासन की होगी। अनूप ठाकुर ने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट द्वारा इस तरह बेरोजगार युवाओं के हकों को छीना जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर इस तरह के प्रोजेक्टों में 70% हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने से युवाओं में भारी रोष है। उन्होंने जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी मांग की है और कंपनी में जितने भी बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों के दस्तावेज स्थानीय पुलिस थाना में जमा करवाने चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ यूनियन प्रधान मंगल सिंह, पवन कुमार गोल्डी, नरेश कुमार सहित काफ़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। और कंपनी प्रबंधन जो है वो इस जो यूनियन इसमें एफकॉन्स में बनी हुई है इसके प्रधान के ऊपर जो है प्रेशर दबाव जो है बना रहा है। कल रात को भी जो है इन लोगों ने जो है प्रधान के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि यह जो है शराब पी कर के जो है ड्यूटी के ऊपर आया है, जबकि उस आदमी ने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, इसका गवाह जो है पूरा गांव है। इसलिए जो है सारे के सारे लोग गांव के महिलाओं के साथ जो है यहां पर पहुंचे थे और कंपनी को उन्होंने बताया है कि इस आदमी ने आज तक कभी शराब नहीं पी है, लेकिन यह कंपनी जानबूझ करके जो है इस जो प्रधान है इसको कंपनी से निकालने के बहाने ढूंढ रही है, इसलिए ऐसा ये बार बार इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।